हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, क्लोज अप पेन के बारे में जानेंगे कि भाई क्लोज अप पेन क्या मेडिसिन होती है, किस बीमारी में चलती है, काम कैसे करती है, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, सावधानियां क्या रखना है और इसका डोज क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्लोज अप पेन एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती है, ठीक है ना। सेकेंड जनरेशन का एंटी साइकोटिक ड्रग है ये कई नामों से मार्केट में मिलता है, जैसे कि इसकी जो रेल लोजापिन या सिजोपिन या क्लोजा रेल, ये इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम्स हैं। हो सकता है कि आपके एरिया में और किसी नाम से मिले, लेकिन वो होगा क्या, क्लोजा पाइन। अब ये जो क्लोजा पाइन है मार्केट में कई तरह की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, हर तरह की स्ट्रेंथ इसकी आती है, 12.5, 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम तक की इसकी स्ट्रेंथ अवेलेबल है टैबलेट के फॉर्म में। सिर्फ और सिर्फ इसका टैबलेट आता है, ओरल टैबलेट ही चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक प्रकार का एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, तो ये आपको मानसिक समस्याओं से पीड़ित मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स लिखते हैं इसको। और कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ यूज़ करेंगे, सीजोफेरनिया में। सीजोफेरनिया आप जानते हैं, कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, सीजोफेरनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी को भ्रम हो जाता है, मति भ्रम हो जाता है, आदमी कल्पनाओं में खो जाता है, उसको जो चीज़ नहीं है उसका ही एहसास होता है, उसको लगता है कि भाई कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे पीछा कर रहा है, या मैं सेफ नहीं हूँ, अकेला रहता है, उदास रहता है, सोशली एक्टिव नहीं रहता व्यक्ति, तो अपने ही आप में वो डरता रहता है, डरा सहमा हमेशा रहता है, जिसे बोलते हैं सीजोफेरनिया। तो इस कंडीशन में क्लोजापाइन व्यक्ति को चलाया जाता है कुछ समय के लिए, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। साथ ही मेंटल डिसऑर्डर कोई भी हो उसमें भी चला सकता है डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के अनुसार, ठीक है। सुसाइडल थॉट आते रहते हैं कई कई लोगों को कि भाई उन्होंने कोशिश की है कई बार आत्महत्या करने की, तो ऐसे लोगों के लिए भी इसको दिया जाता है। पार्किंसन में साइकोसिस, मतलब कि पार्किंसन एक अपने आप में डिजीज है, उस दौरान आदमी को साइकोसिस हो जाता है, मतलब कि उसको भी भ्रम हो जाता है पार्किंसन के मरीज के लिए, तो उसको भी कई बार इसको चलाना पड़ता है, ठीक है ना। कल्पना करना, आवाज़ आना, अंधेरे कमरे में रहना, किसी से मिलना नहीं, उदास रहना हमेशा, तो इस कंडीशन में भी इसको चलाते हैं। तो कई सारे मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, यहाँ पे इसको चला सकते हैं। हालांकि जब दूसरी दवाइयाँ आती हैं उनको भी चलाते हैं डॉक्टर, फर्स्ट लाइन थेरेपी जिसे बोल सकते हैं आप, जब उनसे आराम नहीं मिलता तब क्लोजापिन पे स्विच करते हैं डॉक्टर्स कि भाई अब इसको ये देना पड़ेगा और इससे आराम मिलता ही है। ये काम कैसे करता है दोस्तों, ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से उसको ये ब्लॉक करता है और आदमी को मूड को स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आदमी के मन में जो भी ख्याल आ रहे होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं और आदमी को अच्छी नींद आ जाती है। तो ये जो क्लोजापिन है दोस्तों, इसको यूज़ करते वक्त कुछ सावधानियाँ भी रखना पड़ती हैं। डॉक्टर को हमेशा बताना चाहिए कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हुए हैं, प्रेगनेंसी कंटिन्यू है, तो आपको बताना होगा, तभी डॉक्टर इसको कम से कम मात्रा में और केयरफुली दे पाएंगे आपको, क्योंकि महिला अगर प्रेग्नेंट है और उसको कोई मानसिक समस्या है तो उसका इलाज कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। और हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना और ख़ुद की सलाह से कभी भी रोकना नहीं है, ठीक है ना, कि मन में चाह रोक दो, कभी भी नहीं रोकना, बाहरी दिक्कत हो सकती है। तो ये सावधानी दोस्तों, और साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं कुछ। क्लोजापिन जब मानसिक विकार को दूर कर रहा है तो साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर देता है। आदमी को कई बार धुंधला सा दिखने लगता है, आदमी को सोचता है कि आंखें खराब हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ दिनों के लिए ऐसा लग सकता है कि धुंधला दिखे, तो चश्मा वगैरह बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुंह में लार ज़्यादा बनेगा, आदमी सोएगा तो उसके मुंह से लार टपकता रहेगा, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। साथ ही उसको दोस्तों शुगर लेवल और जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ज़्यादातर शुगर लेवल थोड़ा सा कई बार बढ़ जाता है, और अगर इसको आप ज़रूरत से ज़्यादा ले लोगे तो आपको झटके वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सावधानी है कि इसको कभी भी रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। डोज़ की बात कर लेते हैं कि डोज क्या रहता है। देखो, शुरुआत में जो मरीज़ होता है उसको 12.5 ही दिया जाता है, 12.5 मिलीग्राम सुबह शाम या दिन में एक बार, ज़्यादातर कोशिश की जाती है दिन में एक बार, 4-5 दिन तक दिन में एक बार 12.5 मिलीग्राम। फिर उसके बाद एक हफ्ता इसको चलाते हैं, फिर एक हफ्ते बाद फिर देखा जाता है रिजल्ट्स क्या है, उसके बाद उसका डोज बढ़ाते हैं, 25 से लेकर 50 मिलीग्राम तक का डोज दिया जा सकता है, फिर एक हफ्ते बाद और जा सकते हैं। इस तरह से डोज बढ़ाते बढ़ाते जो है मैक्सिमम डोज जो होता है 900 मिलीग्राम एक दिन का होता है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए दवाई नहीं होती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे क्लोजापिन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें।
और अगर आप हमारे चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको क्या मिलेंगे, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो कि आपके काम आ सकते हैं। तो आप देख रहे थे ज्ञानी अर्थ द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।